कैसे मेरे होटल वाले दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं किचन हेल्पर। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रहें, वीडियो को आगे शेयर करते जाएं। किचन हेल्पर जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है, किचन में हेल्प करने वाला। तो क्या एक किचन हेल्पर हमेशा किचन हेल्पर ही रहता है? उसे ऐसा क्या करना चाहिए उसे आगे ग्रोथ मिले? तो यही सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। वो किचन में क्या काम करता है, हम सब इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक कमेंट था, मैं उसके जवाब के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये टॉपिक पे बात करने के लिए बोला, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये टॉपिक नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से आपका। किचन हेल्पर जैसे नाम से ही आपको मालूम पड़ा कि आपको किचन में हेल्प करनी होगी। आपको हेल्प क्या करनी होगी? आपको किचन की धुलाई करनी होगी। आपसे बोला जाएगा कि आपको सब्जियां छीलनी है, आपको सब्जियां छीलनी होगी। आपको स्टोर्स लाने के लिए बोला जाएगा बाहर से, आपको स्टोर्स लाने होंगे। आपको पोट वॉश में बर्तन धोने होंगे, आपको प्लेट साफ करनी होगी, किचन की सफाई करनी होगी, जो भी इक्विपमेंट्स है उनकी क्लीनिंग करनी होगी। इसके अलावा किचन में जो भी काम होगा वो आपको करना होगा। किचन हेल्पर का ये काम है। एक 5-स्टार होटल में कभी भी किचन हेल्पर्स नहीं रखे जाते, वहां पे ट्रेनिंग्स रखे जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से भी एक सीमित काम ही करवाया जाता है, उनसे सफाई धुलवाई नहीं करवाई जाती है। पर सिर्फ रेस्टोरेंट में ही हम लोग बोलते हैं, मेरा जो मैंने अभी तक देखा है अपने एक्सपीरियंस में, वहां पर ही किचन हेल्पर रखा जाता है। उनको पोजीशन यही दी जाती है किचन हेल्पर की, जिसके की कारण वो कभी भी किसी भी 5-स्टार होटल में जाके काम ना कर सके। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल सच्चाई से आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई भी एक रेस्टोरेंट है, अगर आपको कॉमी 3 दे देगा तो आप किसी भी होटल में जाके कॉमी 3 ही लग जाएंगे 5-स्टार होटल में। ये मेरा मानना है, अगर आपके पास आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, ये आपको थोड़ा बहुत काम आ गया है। पर रेस्टोरेंट्स वाले ऐसे नहीं करते, वो सिर्फ आपको किचन हेल्पर को किचन हेल्पर ही हमेशा लिखेंगे या सीनियर किचन हेल्पर कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ के जाएं। तो आपको मेरी यही सलाह है कि अगर आप किचन हेल्पर कर रहे हैं तो प्लीज उन लोगों को बोलिए कि हमें एटलीस्ट कॉमी 3 कॉमी 2 की पोजीशन दीजिए, जिससे कि आपकी भी ग्रोथ हो। साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं 3 महीने के हैं, जो कि आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, आप वहां जाके भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज कम है तो आप वहां जाके कीजिए। अगर आपके पास ऐसे लिंक्स नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ का ही बात है। आप भी वही काम कर रहे हैं जो एक कॉमी 3 कॉमी 2 काम कर रहे हैं। अगर कोई किचन हेल्पर देख रहा है यहाँ पे, अगर उसे 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो कॉमी 1 भी वही काम कर रहा होता है जो कि किचन हेल्पर काम कर रहा है। तो आप सिर्फ किचन हेल्पर क्यों रहे, आप इतनी कम सैलरी क्यों ले? तो आपके पास भी आपको बढ़ने का मौका आगे मिलना चाहिए। तो मेरी बात को आप ध्यान जरूर कीजिएगा, आप कुछ एक ऐसा कोर्स करें, कुछ डिप्लोमा करें, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है रेस्टोरेंट्स की कि आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। आपके पास पढ़ाई लिखाई कम है, आपको उसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, आपको दबाया जाए। तो प्लीज़ मेरी इस सलाह को जरूर मान लीजिएगा। अब किचन हेल्पर क्या काम कर रहा है? अगर किचन हेल्पर की अगर हम लोग बात करें, तो सुबह सुबह उन्हें आना होता है, उन्होंने किचन की सफाई करी, जितने भी बर्तन थे जो सुबह के आपके ब्रेकफास्ट के उनको धोते हैं, सब्जी की कटिंग्स करना हो गया, तो ये सारे काम जो नॉर्मल हमारे काम है। तो किचन हेल्पर भी मैं बोलूंगा कि हमारे होटल इंडस्ट्री की बैकबोन है। होटल्स में तो ये नहीं होते हैं, पर रेस्टोरेंट्स में किचन हेल्पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। आप चाहे अगर पोट वॉश में काम करना हो, पोट वॉश में काम कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, पर उनको कभी भी एक डेजिग्नेशन नहीं मिलती है। होटल्स में कहीं पे भी आपको किचन हेल्पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ रेस्टोरेंट में ही किचन हेल्पर है। तो प्लीज जितने भी किचन हेल्पर देख रहे हैं, वीडियो को आगे जरूर पहुंचाना, ताकि आप लोगों के अंदर भी एक मोटिवेशन जगे कि आपको भी लाइफ में कुछ करना है। अगर आपकी एज कम है, ज्यादा है, कुछ मायने नहीं रखता, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप भी किसी 5-स्टार होटल में काम कर सकते हैं। तो मैं यही कह के यहाँ पे वीडियो को खत्म करूंगा, और जिन्होंने भी मेरे लिए मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला था, प्लीज मैं उनको फिर से थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा एक अहम पहलू उठाया है हमारे होटल लाइन का। तो कमेंट करके मुझे और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। कोई भी नए टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके साथ में वीडियो शेयर करूं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।